हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे गुजरात के 2022 के चुनाव और जानेंगे कि जनता इस बार किसको लाना चाहती है, क्या जनता परिवर्तन चाहती है, भाजपा को ही दोबारा अपनाना चाहती है। तो आइए हम जनता से बात करते हो, जानेंगे वो क्या चाहते हैं। जी सर, आपका नाम? रतन भाई। क्या करते हैं आप? यहाँ पे कपड़े की दुकान है। क्या क्या आपको क्या कहना है? इस बार रिपीट वापस भाजपा की सरकार ही बननी चाहिए। आप भाजपा के काम से संतुष्ट हैं? हम भाजपा के काम से संतुष्ट हैं। किस कार्य से आप ज़्यादा संतुष्ट हैं? भाजपा का शासन आने के बाद में इस लिंबायत विस्तार के अंदर रोड, गटर, लाइटें, जैसे आज वेसू में अठवा लाइन में उस तरह के रोड वोड सब यहाँ लिंबायत में बन गए हैं। कॉलेज आ गई है, स्कूलें आ गई है, एक से एक बढ़िया काम कर रहे हैं। ओवर ब्रिज बन गया है, अंडर बाईपास भी बन रहा है, इसलिए हम हमारे धारा सभ्य से संतुष्ट हैं और हम आगे भी चाहते हैं कि हमारा धारा सभ्य वापस रिपीट वही आवे और हमारे और आगे जो विकास के काम करने हैं वो भी हमारे वापस करें। आपका नाम? अशोक। क्या करते हैं? मेरा इवेंट का काम है, साउंड सिस्टम का काम। महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई महंगाई नहीं, आपको नहीं लगता है कि थोड़ी भी महंगाई नहीं? कोई महंगाई नहीं। क्यों नहीं लगता आपको? नहीं लगता। अरे आम आदमी की दूसरी नहीं, कोई महंगाई नहीं है। अगर एक आम आदमी की अगर पगार 5,000 रुपया था ना, तब भी लोग घर चलाते थे। आज 25,000 रुपया है तो भी घर चल ही रहा है, कोई महंगाई नहीं है। जब तक के भारतीय जनता पार्टी होगी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और हम लोग लास्ट तक के भारतीय जनता पार्टी के साथ करेंगे। मेरा नाम भवसाहेब कोड़ी है। मैडम, यहाँ पे पूरे गुजरात में भाजपा की ही सरकार आनी चाहिए। ये फ्री फ्री वाले आ रहे हैं, पार्टी ही आएगी, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। भारतीय जनता को और हमें कोई नहीं चाहिए, हमें और हम लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम खुद लेके आएंगे, हम आम पब्लिक है, हम भारतीय जनता पार्टी लेके आएंगे। मेन ऐसा है, ये सब युवा जो है मोदी साहब को इसलिए चाहते है, सर्जिकल स्ट्राइक जो किया तो देश के लिए मोदी साहब डायरेक्ट शूटिंग फाइटर ऑर्डर देते हैं, सैनिक को ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं गिरती है। इसीलिए हमारे गुजरात में पूरे भारत सरकार में हमको मोदी साहब का डंका चाहिए, मोदी साहब आने चाहिए, पूरे गुजरात में आने चाहिए। मेरा नाम ज्ञानेश्वर कौशिक पाटिल, सब्जी का धंधा है। सब्जी का धंधा महंगी तो इधर पगार ही पड़ी है सब्जी, क्या करेगा? सस्ता महंगा तो खाना ही पड़ेगा ना। बाजार में अपना रोड बनाया, हमें वोट तो अपना बाजपे आएगा, क्या आएगा इधर सब बाजपे राजू भाई सूरती। मैं यहाँ ब्रोकर हूँ। हमारे जो सूरत शहर में हमारे जो विकास के कार्य हुए हैं और जो अभी होने वाले हैं उसे मद्देनजर रखते हुए हमारे सूरत और गुजरात में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता का ही डंका बजने वाला है और सभी जो लोग का उत्साह है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। सभी घर वो श्रमिक हो या मिडिल क्लास हो या उच्च वर्गीय हो, सभी वर्ग का एक ही कहना है कि हमारे सूरत और गुजरात में सिर्फ एक ही पक्ष आएगा और भारतीय जनता पार्टी आएगा, क्योंकि उनका जो विकास यहाँ पे जो कार्य किया है वही दिखाता है कि उस पार्टी के सिवा यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। कोई नहीं, ये तो जो दिखावा है, क्योंकि उनकी कोई कामगिरी नहीं है। मैडम जी, यहाँ पे हमारे जो कोरोना जैसे काल में भी जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने जो काम किया है वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। यहाँ पे हर घर घर तक वो पहुँचे हैं, लोगों की छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी किया है, वो कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। मेरा व्यापार है। हमारा जब से भाजपा सरकार आई है तो हमारे धंधे में सबको है ना राहत मिली। हम यही चाहते हैं कि हमको खाली किसी भी सरकारी चाहिए, बाकी कोई सरकार नहीं। जो राहुल गांधी किसी भी सरकार ने इतना काम करके दिखाया है तो अमुक सरकार कोई काम करने वाली नहीं। वो खाली बस झूठे वादे करके बस अपना पेट भरती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि छोटे से लेकर बड़े तो को लेकर चलती है। बस हमको यही इच्छा है कि हमारी युवाओं को यही इच्छा है कि बस बीजेपी चाहिए। आपने जाना कि जनता क्या चाहती है? जनता फिर से भाजपा की वापसी चाहती है, तो कहीं पे कांग्रेस को वापस करना चाहती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शंकर राजपूत नाम। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। क्या आपका मानना है, किसकी लहर है? मेरा मानना यही है कि सरकार किसी की बने मगर जो स्थानिक है, जो जमीन लेवल के काम है होने चाहिए। सूरत के अंदर बहुत सारी सुविधा है,
वो आज तक लोगों तक पहुंच नहीं रही है। मेरा एक ही मानना है, सरकार की जो सुविधा है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे कि आज मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर पूरी सुविधा नहीं, गंदगी बहुत है। जैसे कि सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी गंदगी बहुत है। लोगों के राशन कार्ड है वो बंद हो चुके हैं, आज तक लोगों के राशन कार्ड चालू भी नहीं हुए। बहुत सारी ऐसे मेरा मानना है, जैसे कि सरकार ने ध्यान देना चाहिए जो गरीब आदमी होता है, जो 1100 रुपया सिलेंडर मिल रहा है, सरकार ने ध्यान देकर वो नीचे लाना चाहिए। जैसे कि 400 रुपये था तो 500 रुपये मिनिमम लाना चाहिए। पार्टी तो सरकार ही बना, जो सरकार हो वही सरकार बना सकती है। जैसे कि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, जिसकी सरकार बन सकती है वही कर सकता है। बराबर, तो आप ही बनाओगे ना, तो आप किसकी सरकार बनाओगे? सरकार तो किसी की बनेगी, मेरा वोट है, मैं किसी भी दे सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल मामला है। मगर लेकिन आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं इस बार, क्या कौन सी पार्टी चाहते हो इस बार, किस पे विश्वास करके उसको लाओगे? मेरा तो हर से मेरा यही मानना है कि हर 5 साल में पार्टी चेंज होनी चाहिए, 1 साल 5 साल। मेरा नाम अजय कुमार विश्वकर्मा है। क्या करते हैं? मैं मार्केट में जॉब करता हूँ। किस तरह की जॉब है आपकी? जैसे मार्केट में जो साड़ियों का काम होता है वो वाला काम मैं करता हूँ। क्या लग रहा है, किसकी लहर है इस बार? इस बार लहर देखिए, इस बार जो जनता बोलेगी उसी की लहर होगी। जनता देखेगी कौन सी पार्टी ने कितना काम किया है। आज जो बीजेपी जो 27 साल से यहाँ पे राज कर रही है, जो आज बीजेपी ने इतनी महंगाई बढ़ाई है, जैसे पेट्रोल का भाव जो आज केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 4 रुपया टैक्स लगाती थी डीजल पे, आज जो बीजेपी ने GST लगा दी, टैक्स लगा दिया, सिर्फ पेट्रोल का भाव आज 100 रुपये पे चला गया है। और गैस का बाटला जो कांग्रेस की राज में जो 400 रुपये में था, आज जो गैस का बाटला 1100 में चला गया। पेट्रोल जो गाड़ियों हम लेने जाते थे तो पहले 70,000-60,000 में गाड़ियाँ मिलती थी, आज जो गाड़ियों का भाव 1.5 लाख रुपये हो गया है। तो इतना मतलब गरीब होते जा रहा है और अमीर बनते जा रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है जो जनता के हित में काम करेगा वही आना चाहिए, जो जनता के लिए काम करे, जो गरीबों के लिए काम करे। आपको क्या लगता है कौन गरीबों के लिए काम करेगा? देखो जो बीजेपी जो सरकार है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसे वालों की सरकार है। अडानी आज कहाँ से कहाँ चला गया, 10 साल पहले अडानी कहाँ था, 10 साल पहले अडानी टॉप 10 में भी नहीं आता था, आज 10 साल के बाद अडानी आज मतलब 1 नंबर पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे आने लगा। मतलब कहाँ पे विकास हो रहा है, मतलब क्या अमीरों का विकास हो रहा है, गरीबों का विकास नहीं होने वाला है? तो गरीबों का विकास करने के लिए सरकार जो है वो तो मुझे कांग्रेस से अच्छी और कोई सरकार लग नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस जो थी भले वो थोड़ा महंगाई बढ़ाई लेकिन वो लोग ने कभी गरीबों के ऊपर वो महंगाई आने नहीं दिया। क्योंकि जो गैस का भाव था जो 400 रुपये मिलता था, आज जो गैस का भाव 1100 रुपये में हो गया। और मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है सूरत में, और मुद्दे हैं सूरत में। क्या है, विकास गरीबों का नहीं हो पा रहा है। आज गरीब मतलब कहाँ भी जाते हैं उनको उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है। आज जो ये पुलिस प्रशासन है, जो गरीब बेचारे जाते रहते काम डब्बा उठा के काम पे जाते हैं, उनको पकड़ के ये लोग 101 काम की खोटी खोटी केस कर देते हैं। तो ये आज गरीबों की देखो पार्टी जो है जो कांग्रेस की हित जो कांग्रेस है तो कांग्रेस के ना लोगों के हित में काम कर रही है। तो आज ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आने वाला भविष्य बदल सकती है। जी मैडम, मेरा नाम समीर पटेल है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता, किस तरह की सेवा करते हैं? जी मैडम, जैसे लोगों के थोड़े बहुत काम करना, कुछ परेशानी उनको तकलीफ दूर, जैसे रोड रास्ते का कुछ काम होता है थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं हमारे काम के साथ। सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए आप क्या देख रहे हैं देश में इस समय, जो भाजपा की सरकार है मैडम, मैडम रोजगार मिला है भाजपा के राज में? मैडम 5 साल पूरे हो गए लेकिन अभी तक किसी को कोई रोजगार नहीं मिला है, और ये बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जैसे बेरोजगारी हो गई, बहुत सारे काम मतलब वो लोग खाली जमीन पर बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट बनवाए लेकिन होते नहीं है। तो काम तो खाली कांग्रेस ही करती है और कांग्रेस ही करेगी, जो वादे कांग्रेस करती है वो पूरे करती है। और इस बार भी कांग्रेस ने वचन दिया है कि 500 का गैस का बाटला करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बहुत सारे कांग्रेस ने जो वचन दिए वो पूरे करेगी। आपको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस? जी मैडम पूरी उम्मीद है, कांग्रेस जो वादे करती है मैडम आज तक आप देख लो राजस्थान के अंदर भी पूरे किए हैं और महाराष्ट्र में भी जो सरकार आई थी जब पूरे किए हैं, पर भाजपा सरकार ने जो वादे किए वो अभी तक आज तक उन्होंने कभी कोई पूरे नहीं किए। जी मारो नाम सुभाष पिजाड़े, संस्थापक अध्यक्ष विश्व शांति दूत महाबोधि बुद्ध विहार। सुभाष भाई इलेक्शन आ गयी, कई पार्टी ने सपोर्ट ने समर्थन आ वक्त कर रिया छो, जो आ वक्त समग्र भारत में समग्र गुजरात में परिवर्तन थव जो है, मैं तो
इतके जो की कांग्रेस पक्ष नऊ समर्थन आले केम के भ्रष्टाचार मोंगवारी अत्याचार बहु घनो वधी गयो छे एमने खत्म करवा माटे एकमेव पार्टी सिर्फ ने सिर्फ कांग्रेस छे। कांग्रेस माटे परिवर्तन आवु फार अगत्यनुं छे अने आ वखते परिवर्तन आ प्रजा लावशे ए मने विश्वास छे एवी मैं बाइंदरी आपू छू। जी मेरा नाम इरफान शेख है। जी मैं एक समाज सेवक हूँ और मार्केट में छोटा मोटा काउंटर चलाता हूँ। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी? मैडम मेरे से ज़्यादा शायद ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, कोई ऐसा विकास नहीं किया है कि जिसके नाम पर ये वोट मांग सके। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है ये जातिवाद के नाम पर वोट मांगती है और लोगों को समझना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। लोगों के आज के ज़माने में जो मसले हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आसान धारा है, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो मुद्दों के नाम पर इनको लोग हराएंगे। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी बातों को सुनेगी? देखने जाइए तो जो राहुल गांधी जी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसको देख के शायद मेरी तरह के हज़ारों युवा इस बार कांग्रेस से प्रेरित हो रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बार कांग्रेस गुजरात में सत्ता बनाएंगी। मैडम आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, सबसे पहले तो मैं इन्होंने रामलीला मैदान पे जो एक आंदोलन खड़ा किया था, इस आंदोलन में इन्होंने कहा था कि मैं मेरे बच्चे की सौगंध खाता हूँ राजनीति में नहीं आऊँगा। जो इंसान अपने बच्चे की कसम खा के राजनीति में आता है तो वो आदमी मुझे नहीं लगता किसी और का कोई काम कर सकता जो अपने बच्चे की कसम को नहीं मान सकता है। हमारे लिए हम ये मानते हैं कि अभी की कंडीशन में यहाँ दो ही लोग चल सकते हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है इससे लोग त्रस्त है और इनको इस बार उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस ही एक यहाँ पर विकल्प है।